तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हे भाई, वो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बताएंगे कि जो यहाँ पर एयरटेल ने डेटा लोन वाली सर्विस स्टार्ट की है, उसमें अगर आप लोग डेटा लोन ले लेते हो और लेने के बाद अगर आप लोग उसका पेमेंट नहीं करते हो, तो काफी सारे लोगों का कहना है अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर आप लोग एयरटेल के सिम कार्ड में डेटा लोन लेना चाहते हो, मतलब आपका डेली का डेटा खत्म हो जाता है और आप लोग डेटा लोन लेना चाहते हो, तो आप लोग एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। और इनका एक यूएसडी कोड भी आता है जिसके जरिए से आप लोग 1 GB का डेटा ले सकते हो। अगर आप लोगों को जानना है कि कोड के थ्रू हम कैसे यहाँ पर डेटा ले पाएंगे, तो आप लोग ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे पहले बता देते हैं कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से कैसे यहाँ पर डेटा लोन लिया जाता है 1 GB का। तो उसके लिए आप लोग जैसे ही एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप लोग इस तरीके के इंटरफेस में आ जाओगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोसीड पे। प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 GB का डेटा लोन, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 दिन के लिए रहेगा वैलिड। और फिर आप लोगों को इसको लेने के लिए यहाँ पर अवेल डेटा लोन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में ये डेटा लोन आप लोगों के नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो डेटा लोन है वो यहाँ पर 24 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जो आप लोगों ने डेटा लोन लिया है वो आप लोगों को कहाँ पर शो होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है प्रीपेड पर। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग सबसे नीचे आओगे, उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा लोन, और यहाँ पर दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 GB का डेटा हम ले चुके हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 GB डेटा विल बी डिडक्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट डेटा पैक, मतलब ये जो आपने 1 GB डेटा लोन लिया है, इसका पेमेंट आप लोग जो भी आप लोग अपना अगला डेटा पैक कराओगे, मतलब 19 रुपए का या 29 रुपए का या जो भी डेटा पैक आते हैं, उन डेटा पैक में से 1 GB का डेटा कट हो जाएगा। मतलब इसी तरीके से 1 GB डेटा का ये पेमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोग इस 1 GB डेटा का पेमेंट नहीं करते हो तो आपके सिम कार्ड के साथ क्या हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोग अपनी सिम कार्ड को पोर्ट कराना चाहोगे और आप लोगों ने 1 GB का डेटा लोन ले लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आप लोगों का जो सिम कार्ड है वो पोर्ट नहीं होगा। आप किसी कंपनी में पोर्ट कराना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, जब तक आप लोग इस 1 GB डेटा का पेमेंट नहीं करोगे। और दोस्तों एक बात है, जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर भी फंसे हुए हो और आपको डेटा की जरूरत है, इमरजेंसी डेटा की जरूरत पड़ती है, तब आप लोगों को 1 GB डेटा लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले से ही 1 GB डेटा लोन ले रखा है, इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रॉब्लम होंगी एयरटेल में, अगर आप लोग डेटा लोन लेते हो और आप पेमेंट नहीं करते हो, तो ना पोर्ट करा पाओगे और ना दोबारा से आप लोग डेटा लोन ले पाओगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आज के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।